क्या हाल चाल मेरी जनता, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो भाई शाम हो रही थी, उज्जवल भाई कह रहे थे कहीं बाहर चलते हैं, तो मैंने कहा कि चलो इवनिंग वॉक के लिए चलते हैं थोड़ा। और इनको एक जगह भी दिखानी थी जहाँ मैं सुबह सुबह रनिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए जाता हूँ 5 बजे। वहाँ की भी अब से डेली ब्लॉग्स आएंगे, कोशिश करूँगा पूरी डेली ब्लॉग्स लाने की। तो भाई हम लोग बाहर निकले, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, वहाँ भी बच्चे खेल रहे हैं। तो भाई ये रहा ये प्ले ग्राउंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सब क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। और ये अपना लोकेशन मेरा पड़ जाता है ग्रेटर नोएडा का। बाकी देख रहे हो बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बाहर चलें और एक ब्लॉग भी शूट कर लिया जाए। तो भाई अब से डेली ब्लॉग्स आएंगी, जैसे कि मैं सुबह 5 या 5:30 तक मैं निकल जाता हूँ घर से एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपसे कोशिश करूँगा पूरा वो कवर करने का। तो भाई ये ब्लॉग देखने से पहले रिक्वेस्ट है कि जो मैंने पिछला ब्लॉग डाला है कालकाजी मंदिर का, वहाँ का मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख लेना। और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट ब्लॉग सबसे पहले देखने को मिले। और सपोर्ट भी करते रहो थोड़ा थोड़ा भाई को। तो भाई ये रहे हमारे साथ हमारे उज्जवल भाई। क्या हाल है जनता, कहाँ चल रहे हम? राम राम सारे भाइयों को। इनके कहने पे मैं लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मैं रनिंग और एक्सरसाइज के लिए सुबह जाता हूँ। भाई कह रहे थे कि मन नहीं लग रहा घर पे, थोड़ा बाहर चलते, तो मौसम भी बहुत अच्छा रहा। मौसम कैसा हो रहा है उज्जवल भाई? भाई एक नंबर हो रहा, कल से बहुत बेटर मौसम है आज। तो भाई कल से बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है क्योंकि गर्मी नहीं है आज। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू भी। तो भाई ये देखो सनसेट, क्या व्यू है, मौसम देख सकते हो, बादल ही बादल है काले, और वहाँ थोड़ा मौसम साफ़ है, उधर भी साफ़ है, और वहाँ का आप सनसेट देख सकते हो। मैं जैसे कि जूम कर रहा हूँ, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो आगे चलिए ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं अपनी जगह पे। भाई देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, साथ में नाला भी है, नाला सुपारा है ये। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट, सनसेट देख लो भाई कितना प्यारा है। थोड़ा मैं इसको डार्क करता हूँ तो ये देख सकते हो भाई, देखो नाला ये पूरा, मतलब जितने भी कॉलोनी है सबका बेकार पानी यहीं पे आता है। और ये हमारी गौ माता आ रही है, जय श्री राम। तो भाई ये देख लो खेत ही खेत है इधर, मतलब मॉर्निंग के टाइम इतनी अच्छी हवा आती है इधर, मतलब कहते हैं ना सुबह का टाइम एकदम फ्रेश टाइमिंग होती है, इसलिए मैं 5 बजे आता हूँ और यहाँ रनिंग और एक्सरसाइज करता हूँ। कोई डिस्टर्बेंस, कोई शोर शराबा कुछ नहीं। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी उधर आगे चल के एक हाईवे जाता है, वो हाईवे जाता है गाजियाबाद से बुलंदशहर वगैरह, आगरा वगैरह, इधर इधर उधर जाने के लिए। और व्यू देख सकते हो, मौसम कितना प्यारा हो रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो आप ब्लॉग को लाइक कर देना। वो देख सकते हो उज्जवल भाई हमारे शूट कर रहे हैं अपना ब्लॉग, दोनों की जनता हाय। बहुत अच्छा व्यू है, वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो भाई अभी उज्जवल भाई कह रहे हैं कि चलते चलते 15-20 मिनट हो गए, कब पहुंचेंगे? तो भाई मैं इनको बता दूं, भाई ऐसा लग रहा है कि हम आर्मी वाले हैं और हम रेत में बॉर्डर पे पहरा दे रहे हैं। आप नीचे की मिट्टी इतनी इतनी हाइट ये देखो है। तो भाई मैं इनको बता दूं कि जहाँ से बस 5 मिनट और लगेगा, वहां से और भी अच्छा व्यू, सब चीज, मतलब आपको हाईवे वगैरह हम सब दिखाएंगे। और व्यू भी मैं अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगा, यहाँ से और ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो क्यों उज्जवल भाई जगह अच्छी लगी? जगह तो बहुत अच्छी है यार, यहाँ पे व्यू काफी अच्छा आ रहा है, अगर चारों तरफ आप रोटेट करके इनको दिखाओगे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो भाई पीछे देखो, पीछे हमारे एग्जैक्ट सनसेट है, अभी वो पेड़ों को से थोड़ा ढक भाई ये, मतलब मेरे घर के लोकेशन से 2 किलोमीटर दूर है। मैं मॉर्निंग के टाइम 2 किलोमीटर दूर आता हूँ रनिंग करने के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे एरिया बिल्कुल शांत है। रनिंग वाली वीडियो मिल जाएगी कल सुबह तक। हाँ ये भी डेली ब्लॉग्स तो आएंगे, मैंने आपसे बोला ही। तो चलते रहे, बस 2 मिनट और लगेगा, मिलते हैं हम आपसे डायरेक्ट वहीं पे। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने लोकेशन पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरा फ़ोन रोटेट करके दिखाऊंगा बैक कैमरे से, यहाँ का पूरा व्यू बहुत अच्छा व्यू आ रहा सनसेट का। मैं आपको डार्क करके भी दिखाऊंगा और ब्राइटनेस फुल करके भी दिखाऊंगा, तो आप बस रेडी रहो। देखो भाई सबसे पहले सामने जो रोड दिख रहा है, मैं वहीं से आता जाता हूँ और मैं एग्जैक्ट यहाँ पे आता हूँ, यहाँ थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, यहाँ से मैं रनिंग स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल सीधे जाता हूँ, मतलब पूरा 1600 मीटर का रनिंग मेरा रहता है। तो मैं आपको उधर का एंड भी जाके दिखाऊंगा, वहाँ पे एक हाईवे भी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सनसेट का व्यू, आप देख सकते हो वेदर और सनसेट व्यू, मैं आपको डार्क करके भी दिखाता हूँ।
और मैं आपको सनसेट व्यू दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो डार्क करके कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब, बहुत। अब मैं आपको ब्राइटनेस फुल करके भी एक बार दिखाता हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा के। ब्राइटनेस बढ़ाने में वो मज़ा नहीं है, डार्क करके आपको दिखाता हूँ। बाकी ब्लॉग में बने रहो, हाईवे के पास भी हम जाते हैं। और ये पूरा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ अपार्टमेंट वगैरह बनेंगे। तो भाई आपको मैंने रोटेट करके पूरा व्यू दिखा दिया, अगर सनसेट अच्छा लगा हो तो सनसेट के खातिर लेकिन वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी अभी ब्लॉग में बने रहो, हम लोग जा रहे हैं हाईवे के पास, थोड़ा सा ही दूर है जहाँ पे मैं रनिंग एंड करता हूँ। तो आप ब्लॉग में बने रहो, चलते हैं। तो भाई धीरे धीरे हम लोग पहुँच रहे हैं हाईवे के पास। तो कैसा भाई लगा? यार सनसेट व्यू देख के तो मज़ा आ गया यार। तो इनसे बोलो कि यार वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो करो, फोटो डालिए, लाइक करो फटाफट, टाइम का और इंस्टाग्राम का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लें। और भाई के चैनल का भी मैं लिंक दे दूंगा। बाकी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या आपको जहाँ का ब्लॉग चाहिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग वहाँ का, मतलब उस जगह का नाम आप कमेंट में भेज देना। पॉसिबल रहा तो मैं चला जाऊँगा वहाँ भी, बना दूँगा। बाकी अभी तो नया नया चैनल स्टार्ट किया है इसलिए बोल रहा हूँ, भाई को सपोर्ट करो ताकि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ब्लॉग्स हम लेके आ पाएँ। बाकी तो प्यार दो, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो भाइयों फाइनली हम लोग हाईवे की तरफ आ गए हैं, सामने ये हाईवे है, मैं आपको दिखाता हूँ उधर की साइड। तो भाई मैं पीछे आप देख सकते हो, वहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ से मैं रनिंग स्टार्ट करता था और यहाँ तक मैं आता था, फिर वहाँ से वापस जाता था, फिर आता था यहाँ पे। मतलब मैं इसके 3 राउंड मारता था 1600 मीटर का। मैं आपको हाईवे दिखाता हूँ एक बार बैक कैमरा करके, जो हाईवे गाजियाबाद से बुलंदशहर की तरफ जाता है। तो भाई यही है सामने जो आप हाईवे देख रहे हो, यही है इधर की साइड जो जाता है नोएडा का गौर सिटी, और नोएडा जाता है, मैं तो फिलहाल ग्रेटर नोएडा में हूँ, ये सीधे जाता है नोएडा की तरफ और ये गाजियाबाद की तरफ भी निकलता है ये हाईवे। और जो यहाँ से इधर की साइड जो जा रहे हैं वो जाता है आगे बुलंदशहर, मेरठ, इन सब जगहों के लिए हाईवे जाता है। बाकी आप देख लो ये रोड जा रहा है गाजियाबाद, नोएडा, नोएडा सेक्टर 62, और ये जाता है मेरठ और बुलंदशहर आगे, मतलब पूरे स्टेट का नाम नहीं पता, तो उधर तक जाता है। बाकी सामने एक स्कूल है, उसके साइड में पेट्रोल पंप है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो भाई देख रहे हो अब रात हो रही है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हो कि लाइट्स जल गई हो, और लाइट का डिज़ाइन कितना मस्त है अपने तिरंगे का कलर का, यहाँ भी देख सकते हो चारों तरफ लाइट जल गई हैं अपने तिरंगे के कलर का, कितना प्यारा है। तो भाई अब रात हो रही है, घर जाने का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो जाता है क्योंकि उधर स्ट्रीट लाइट है नहीं। तो बाकी जो था मैंने आपको दिखा दिया, मैं यहाँ तक आता रनिंग करने, पीछे हाईवे हमारे एग्जैक्ट। तो अब हम जा रहे हैं, रात हो रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा फिर और घर जाने में लेट हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना ताकि हमारे लेटेस्ट ब्लॉग आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मैं वो कालकाजी मंदिर का जो ब्लॉग है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।